नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरविंद सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उपस्थिति में सुधार के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है उपस्थिति कार्ड। बच्चों को विद्यालय में उपस्थित करवाने के लिए शिक्षक कई प्रयास करते हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति एक गंभीर समस्या है। शिक्षक बच्चों को समझाते हैं कि उपस्थित रहने से क्या क्या फायदे हैं, उसके बावजूद ये समस्या बनी हुई है। हम ये बात स्वीकारते हैं कि कक्षा में उपस्थित रहने से छात्र केवल और केवल शिक्षा ही नहीं ग्रहण करते, बल्कि मानवीय मूल्य और भी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। साथ ही साथ बच्चों को कक्षा के अंदर जो जानकारी मिलती है, वो अल्टरनेटिव साधनों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, उससे काफ़ी बेहतर होती है। इसलिए नवाचारी शिक्षक ने उपस्थिति कार्ड नामक नवाचार को अपने विद्यालय में अपनाया। उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड में बच्चों को एक उपस्थिति कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने एक तरफ हरे कलर से और दूसरी तरफ रेड कलर से उस कार्ड को कलर करने का कहा। जिस तरफ ग्रीन कलर से ये कार्ड कलर किया हुआ था, उस तरफ छात्रों को अपना नाम और अपनी क्लास लिखने के लिए प्रेरित किया गया। जब बच्चों ने ये सारे कार्ड्स बनाए, उन कार्ड्स को उनकी कक्षा में दीवार पर लगा दिया गया। अब जब भी वो बच्चे कक्षा से जाते, वो उसे रेड कलर वाला साइड ऊपर करके चले जाते, और जब मॉर्निंग में क्लास में आते, प्रत्येक स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे ग्रीन वाली साइड से ऊपर कर देता। कक्षा में जब शिक्षक अटेंडेंस लेते हैं, तब वो छात्रों की उपस्थिति को जो अटेंडेंस रजिस्टर में है, उससे ग्रीन कार्ड्स को मैच करवा लेते। छात्र अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी ईमानदारी से जितने बच्चे कक्षा में मौजूद है, उतने ही ग्रीन कार्ड ओपन करते और बाकी के रेड रह जाते, जिससे ये मालूम चलता कि ये छात्र अनुपस्थित है और लगातार अनुपस्थित है। इसके बाद महीने के अंत में जो 5 छात्र जिनकी अटेंडेंस बहुत अच्छी होती, उनको सम्मानित किया जाता। इससे बच्चों में कई मॉरल वैल्यूज आई, जिससे वो अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। एक रोचक गतिविधि है, इसके माध्यम से निरंतर रूप से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी। अब विद्यालय के अंदर शैक्षिक स्तर में भी सुधार हुआ। छात्रों के निरंतर उपस्थित रहने की वजह से शिक्षक उन्हें कई और गतिविधियों के माध्यम से प्रैक्टिकल वैल्यूज, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देने में सफल हो पाए। मैं आशा करता हूँ आपको यह गतिविधि पसंद आई होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।